नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जिस तरीके से हमने आज सुबह से आपको बताया कि जिस तरीके से दो दिन पहले हुए एक खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई थी, छोटा सा जमीन विवाद था, लेकिन किस तरीके से उसको परवान चढ़ा और उसके बाद में परिवार वालों का लगातार आरोप था कि जो थाना अधिकारी हैं या कि कहें कि जो थाना शेष थाना है उनकी कार्रवाई लापरवाही भरी रही, जिसकी वजह से भी कुछ ये जो घटना है वो घटित हुई। उसी के जवाब में हम जानने आए, उसी का जवाब और उसकी सच्चाई जानने हमारे साथ आज थानाधिकारी शेष से जगदीश तंवर साहब हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कितने आरोपों में सच्चाई है, कहां तक कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर अभी मर्डर के बाद में कार्रवाई हुई है और क्या आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारे साथ थानाधिकारी जगदीश तंवर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, दो दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ उसमें एक आदमी की मृत्यु हुई, उसमें क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो चुकी है और अब आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? घटना घटने के तुरंत बाद जो ही हमारे को इतला मिली, पुलिस ने मौके पर जाकर के घटना स्थल में काम आने वाले जितने में अलामत है, ट्रैक्टर है, ट्रॉलियां है, उनके जो भी साजो सामान है, लकड़ियां है, थाने में वजह सबूत के तौर पर लेकर आ गए। फिर जो ही इतला मिली हम गए आरोपी पक्ष को कब्जे में लिया, आरोपी पक्ष को कहीं इधर उधर भागने नहीं दिया और घटना के महज 6 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को पुलिस ने कब्जे में रख करके उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की मानती हूँ, हमारे जवानों की मानती हूँ, जिन्होंने चारों तरफ से बगरू साइड में और बीच रास्ते में जहाँ भी उनकी लोकेशन मिली 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। शेष मुलजिमों के बारे में हम तथ्य जुटा रहे हैं, घटना के अंदर कौन कौन शरीक थे और किन किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद में उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। आज भी हमारी 4 टीमें उनकी रिश्तेदारी में गई है, एक टीम कैलाश जी एएसआई, दूसरी टीम क्या नाम हुक्मराम जी एएसआई, तीसरी टीम शंकर जी, चौथी आपके राजू राम जी एएसआई, जो भी चारों तरफ इस गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाएगा। पुलिस का ध्येय हमेशा कानून व्यवस्था और पीड़ित को न्याय दिलाने का, इसी क्रम में हम काम कर रहे हैं और पुलिस पर जो लेट आने का या घटना पर नहीं होना वो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो। 6 घंटे में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार करना कोई छोटा काम नहीं है, एक पुलिस के लिए मेरे हिसाब से, मेरी नौकरी के हिसाब से बहुत बड़ा काम है। जगदीश जी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन मुलजिम थे जो पकड़ में आ चुके हैं और कौन कौन अभी इससे बाहर है, कितने लोग टोटल थे जो इस घटना को अंजाम जिन्होंने दिया? घटना के बारे में अभी 6 मुलजिम जो है हम गिरफ्तार कर चुके हैं और शेष मुलजिम जो है वीडियो के हिसाब से 2-4 औरतों का नाम भी आ रहा है, 2-4 लेडीज जेंट्स का भी नाम आ रहा है, जिनके बारे में सबूत जुटाए जा रहे हैं। जो ही सबूत मिलेंगे, 2-3 अपनी वो प्रेजेंस को छिपा रहे हैं और उनके मोबाइल स्विच ऑफ है, जो तकनीकी तरीके से लिया जा रहा है और अभी भी हमारी टीमें जो है इलाके के अंदर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और जल्दी से जल्दी पूरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी तरह की इसमें लापरवाही नहीं की जाएगी। ऐसा करते हैं, बहुत जल्द मुलजिमों को पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी। एक आरोप बड़ा परिवार वालों का था कि आपको 4 दिन पहले एक परिवार दिया गया था, उसको छुपा लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनको उसकी रिसिप्ट दी गई कि आपको वो परिवार मिला है। उसके बाद में उस और उनका आरोप था कि यदि उस परिवार पे आप एक्शन लेते तो शायद ये घटना नहीं होती। थाने के अंदर रोज 2-3 परिवार आते हैं, COVID-19 की वजह से पुलिस के और भी ज़्यादा कायदे और कार्य बढ़ गए हैं और परिवारों पर तुरंत पुलिस पहुंचती भी है, कई बार अन्य काम में भी व्यस्त हो जाती है, कोई जवान कहीं ड्यूटी पर होता है, कोई कहीं ड्यूटी पर होता है, महत्वपूर्ण परिवारों पर पुलिस अविलंब कार्रवाई करती है। पुलिस पर इंजाम जो लगाया जा रहा है, इनका जो जमीनी विवाद है काफ़ी पुराना है, पहले भी इनको 151 में 160 में पाबंद किया हुआ है, एक आधे मुकदमे में चलान भी है, दो प्रकरण काफ़ी पुराने हैं और इनकी तरफ से प्रार्थना पत्र आए हैं, हमने अमल किया है और लेट होने का कोई वो नहीं है। रिसिप्ट कोई अगर मानता है तो हम उनको देते भी हैं, कोई परिवार दे भी देता है तो उस पर ऐसी कोई बात नहीं, हम परिवार नहीं देते और COVID-19 की वजह से हम पुलिस के और भी कुछ कार्य बढ़ गए हैं और
जो भी पुलिस ने कार्य किया उसके अंदर किसी तरीके की लापरवाही नहीं रखी। लेकिन आपको लगता है कि एक बार उस पर एक्शन लिया जाता उस परिवार पे तो शायद ये घटना घटने से बच जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो घटना के वीडियो और घटना के जो लड़ाई झगड़े के जो आप आक्रोश देख रहे हैं उस हिसाब से इनका पुराना आक्रोश है और जो पुरानी रंजिश चल रही है उसी रंजिश को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को जो भी सूचना मिली है उसके मुताबिक सब काम किए। एक बड़ा आरोप ये भी था जो हम हमारे चैनल पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उनके पिताजी का आरोप था कि जब हम थाने में गए तो उन्होंने कहा कि अभी तो हुआ क्या है, आने वाले समय में देखिए बहुत कुछ और होने वाला है। इतनी सूचना आपको देने के बाद में भी कुछ कार्रवाई नहीं की, उनको मारने की धमकियां दी गई, उनका स्पष्ट वीडियो ये बताया गया। देखो, पुलिस पर तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और सही तथ्य जो है क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो तो मौके पर ही जाने जाते हैं। पुलिस के कार्य को आप खुद जानते हो कि पुलिस कितना गहराई से काम कर रही है। मेरे आने के बाद में जितने भी इंडियन सौंपेंस हुए जिसका मैंने 6 घंटे और 12 घंटे के अंदर आउट किया है, चाहे कितना बड़ा मुलजिम हो चाहे कितनी बड़ी घटना हो। बिल्कुल राज सिंह जी, तो बिल्कुल हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उनके क्या आप नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्या क्या नाम जिनको गिरफ्तार किया है? जिनको गिरफ्तार किया है, हमारे 6 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य को हम गिरफ्तार करने के पूर्ण प्रयास हमारी टीमें रात और दिन लगी हुई है और जब तक अन्य मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे हम चैन की बंसरी से नहीं सोएंगे। प्रत्येक थाने का जवान, प्रत्येक थाने का अफसर चारों तरफ जहां भी मुलजिम मिलने की संभावना है पूरी तलाश कर रही है। फिर भी अगर पुलिस को कोई नजरअंदाज करे 6 घंटे में 6 मुलजिम को गिरफ्तार करना, इससे बड़े कोई दुख की बात नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में लगातार पुलिस वालों ने, चाहे खाना खिलाने का वक्त हो चाहे उनकी रक्षा करने का वक्त हो, दोनों समय पे बहुत साथ दिया है जनता का।